गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा देखो, कल के लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि कल के लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड को देखा था। तो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे बर्डिंग हो गया, एस्पोरुलेशन हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो वो एक पार्ट यानी नेचुरल जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कम्प्लीट हुआ था। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है उसके आगे का हम लोगों को आज स्टार्ट करना है, तो वह है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। देखो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, तो प्लांट का जो सोमैटिक पार्ट है उसको लेकर के कट करते हैं और उस सोमैटिक पार्ट से हम लोग कंप्लीट न्यू प्लांट को डेवलप करा लेते हैं अलग अलग टेक्निक से। इसी को कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। The somatic part of plant are used for the somatic part of plants are used for development of new plant the somatic parts may be a stem, leaf or root। तो somatic part जो होगा वो तीनों में से कोई भी हो सकता है, stem भी हो सकता है, root भी हो सकता है और leaf भी हो सकता है। बेटा इन तीनों में से कोई भी एक part जो होते हैं वह आ जाएंगे इसमें। अब आइए देखिए, इसके लिए तीन तरह के अलग अलग टेक्निक को यूज करते हैं इसमें बेटा। अब जैसे फर्स्ट में देखिए तो एक होता है कटिंग, सेकेंड लेयरिंग, एंड थर्ड होता है ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये तीन अलग अलग टाइप्स के टेक्निक को यूज करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है वह है कटिंग। कटिंग का मतलब ही कट है, तो एक कट पीस ऑफ रूट, स्टेम और लीफ आर प्लांटेड इन नर्सरीज। जो कट पीस है रूट, स्टेम और लीफ का, उसको हम लोग सॉइल में प्लांटेड करेंगे या नर्सरी जो है वहां पे इम्प्लांट करेंगे सॉइल में विद द हेल्प ऑफ वेरियस हार्मोन। और उसके लिए सॉइल और वेरियस हार्मोन का यूज करके उसमें रूट का डेवलपमेंट करा देते हैं, एंड देन आफ्टर यूज फॉर द प्लांटलेट इनटू न्यू प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो न्यू प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फिर ये इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो जैसे देखेंगे तो एक कट पीस ऑफ स्टेम, लीफ एंड रूट आर used
आर प्लांटेड इन नर्सरी आर प्लांटेड इन नर्सरी ए कट पीस ऑफ अ स्टेम लीफ एंड रूट आर प्लांटेड इन नर्सरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांटलेट सम ग्रोथ हार्मोन आर यूज्ड सम ग्रोथ हार्मोन आर यूज्ड फॉर सम ग्रोथ हार्मोन आर यूज्ड फॉर रूट फॉर रूट डेवलपमेंट. तो रूट डेवलपमेंट करने के लिए इसमें बहुत सारे, जैसे आप देखो आई ए ए का यूज कर लेते हैं, एन ए का, एन ए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, आई बी ए इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये सब का यूज कर लेते हैं. तो वो क्या करते हैं, रूट को ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनका यूज करते हैं हम लोग. तो ये इस तरह से हो गया. अब ये कटिंग में हम लोग स्टेम कटिंग का यूज कर सकते हैं, लीफ कटिंग का यूज कर सकते हैं, या रूट कटिंग का यूज कर सकते हैं. दोनों तीनों में से किसी भी एक पार्ट को लेकर के कट करके और वहां से हम लोग उससे नए प्लांटलेट को यूज करके डेवलप करा सकते हैं. प्लांटलेट का मतलब छोटा प्लांट, और छोटा प्लांट को फिर हम लोग किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में ट्रांसफर करेंगे, देन आफ्टर वो ग्रो इनटू द कंप्लीट प्लांट, वो न्यू प्लांट के रूप में ग्रोथ कर जाएगा. तो इस तरह से यहाँ पर चल रहे हैं हम लोग. तो फर्स्ट में देखो स्टेम कटिंग. स्टेम कटिंग में क्या करते हैं कि लगभग एक 10 सेंटीमीटर का या 5 से 6 सेंटीमीटर का एक लंबा सा जो 1 ईयर ओल्ड एटलीस्ट एक साल पुराना जो स्टेम है या ब्रांच है उसके 5 से 6 सेंटीमीटर लंबे पार्ट को काट लेते हैं. और काटने के बाद में उसको कुछ समय के लिए हम लोग पोर करते हैं इंडोल एसिटिक एसिड में, यानी ऑक्सीजन में. ओके, उसके लोअर पार्ट को, किसी भी एक लोअर पार्ट को डिप कर दिया हम लोगों ने किस में, तो हार्मोन्स में. और जब उसको हार्मोन्स में डिप कर देते हैं उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद निकालने के बाद उसको सॉयल में प्लांटेड कर देंगे. तो सॉयल में जब इम्प्लांट हो जाएगा देन आफ्टर उससे क्या होंगे, नए ब्रांच या नया प्लांट डेवलप हो जाएंगे. तो यही चीज है. तो स्टेम कटिंग का मतलब स्मॉल 1 ईयर ओल्ड ब्रांच अबाउट 5 to 6 centimeter लॉन्ग आर कट एंड पोर इनटू एंड देयर लोअर एंड पोर इनटू ऑक्सीन हार्मोन फॉर द ग्रोथ ऑफ एडवेंटिशियस रूट एंड देयर अपर पार्ट स्प्राउट टू डेवलप इनटू बड और लीफ और ब्रांच. ओके, तो देखिए इसी चीज को यहां पे हम एक डायग्राम से भी दे देते हैं आपको.
ये एक प्लांट है और ये प्लांट का एक ब्रांच है, एटलीस्ट एक साल पुराना ब्रांच रहेगा ताकि वो आसानी से ग्रो कर सके। अब इस ब्रांच के इस पार्ट को मान लीजिए कट किया, ओके कट कर दिया, इसको कट किया और कट करने के बाद में ये वाला पार्ट और इसको डीप करेंगे फिर एक ऐसे पॉट में जिसमें ऑक्सीजन वगैरह हो, इसको डीप कर दिया। और डीप करने के बाद में अब इसको सॉइल में फिर से ट्रांसफर कर देंगे। तो जब ये बेटा सॉइल में जाएगा, ये रूट जो है एडवेंटिशियस रूट, जो रूट अपार्ट फ्रॉम रेडिकल से डेवलप होते हैं उसको एडवेंटिशियस रूट ही कहते हैं, ओके। तो ये एडवेंटिशियस रूट स्टेम से डेवलप हो रहा है, रूट को डेवलप करा रहे हैं, और ये पोर है कि इसमें मान लीजिए आई ए ए में पोर किया हुआ है, और देन आफ्टर इसमें से क्या डेवलप हो जाए, देन आफ्टर इसमें से ये लीफ जो है वह डेवलप हो जाए, तो ये प्लांट हो गया नया। अब इसको सॉइल में एग्रीकल्चर फील्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं या इसे नया प्लांट कंप्लीट डेवलप करा सकते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग कौन सा, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेम कटिंग। देखो ये तीनों जो टाइप है इसमें, ये कटिंग का जो पार्ट है तो वह बहुत सारे प्लांट में इसका साइट्रस प्लांट में यूज करते हैं, बोगनवेलिया में यूज करते हैं, रोज प्लांट में यूज करते हैं कटिंग का, तो इसके एग्जांपल लास्ट में मैं दे दूंगा, ओके। स्टेम कटिंग के बाद में फिर देखो लीफ कटिंग, लीफ आर कट इंटू ट्रांसवर्सली टू टू थ्री पीस देन planted into soil and their bud are grown into plantlet। तो ये हो जाएगा लीफ कटिंग, इसी को क्या कहेंगे बेटा, दिस इज द लीफ कटिंग। ये लीफ कटिंग का एग्जांपल एक हो गया। तो जितने भी ये जो कटिंग का जो भी पार्ट है, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, अब रूट कटिंग हम लोग देखेंगे तो रूट कटिंग में आपको आएगा कि जो एडवेंटिशियस पार्ट है रूट का उसमें हम लोग ये चीज खास करके लेकर के चलते हैं, ओके। चाहे रूट कटिंग हो, स्टेम कटिंग हो या रूट कटिंग हो, तो और जो हम लोग इसको इम्प्लांट करते हैं तो वर्टिकली करते हैं, प्लांटेड वर्टिकली, और इसका एग्जांपल है सबसे कॉमन स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट ये कॉमन एग्जांपल है इसका, ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है रूट कटिंग। तो रूट कटिंग में तो जो लॉन्ग पीस ऑफ रूट है, खास करके छोटा रूट नहीं है, एक लॉन्ग पीस ऑफ जो रूट होगा तो उसका जो एडवेंटिशियस पार्ट है, ठीक है, तो जो एडवेंटिशियस वर्ड होते हैं उसमें वो प्रोपेगेट करते हैं न्यू प्लांट के रूप में,
लॉन्ग पार्ट ऑफ या लॉन्ग पीस ऑफ रूट, लॉन्ग पीस ऑफ रूट आर प्रोपेगेट इनटू, प्रोपेगेट मतलब नए प्रोपेगेशन होना, प्रोपेगेट इनटू न्यू प्लांट, प्रोपेगेट इनटू, तो जो भी एक बड़ा वाला पीस का जो प्लांट रूट है उसको प्रोपेगेट करा दिए है किसमें, एक नए प्लांट के रूप में। तो ये मेथड यूज करते हैं हम लोग लेमन में या टैमरिन में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कर देंगे, लेमन, टैमरिन, ब्लैकबेरी, रैप्सबेरी, ये सब प्लांट में इसका यूज करते हैं। चलिए सबका एग्जांपल तो लिख ही दिया हूँ, सिर्फ स्टेम कटिंग का शायद एग्जांपल, हाँ स्टेम कटिंग का उधर सिर्फ दिखाया हूँ, स्टेम कटिंग का एग्जांपल शायद नहीं दिया हूँ। तो उसका जो है एग्जांपल लिख सकते हैं साइट्रस होता है, चाइना रोज, रोज वहाँ स्टेम कटिंग वाले में भी लिख देंगे। इसका एग्जाम्पल जो डायग्राम बनाए हैं, चाइना रोज, रोज, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग, तो हाँ एक साइट्रस ही बोला था ना, साइट्रस, तो चाइना रोज, रोज, साइट्रस स्टेम कटिंग का, इसमें स्नैक प्लांट लिखा है और इसमें बाकी ये डाल ही दिया है। तो ये कंप्लीट कटिंग का पार्ट। कटिंग के बाद में नेक्स्ट आइए बेटा देखते हैं हम लोग, बहुत लोग बहुत आराम से आराम काम कर रहे होंगे तो वो आराम वाले काम को छोड़ देंगे। ऐसा नहीं घर पे हैं तो सिर्फ खाना खाना है और आराम से जब मन करे तब आपका जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल में आप अपना लेक्चर को देखें, उसमें नोट्स प्रिपेयर करें और नोट्स को सेंड करें, ये कंपलसरी है सबके लिए। ओके, मैं सब कुछ चेक करता हूँ। और आप ये वेट नहीं कीजिए कि सर का रिप्लाई आया नहीं आया या सर में ग्रीन नहीं दिखाया मतलब सर ने नहीं देखा है। मैं नाम देख लेता हूँ आज के डेट का आया, जिस पे शक होता है उसका खोल के देखता हूँ, जिस पे शक नहीं होता उसको मैं समझता हूँ कि हाँ कौन बच्चे ने ऑनेस्टली किया है। जिस पे शक हुआ अगर तो उसको मैं ओपन करके देख लेता हूँ। ओके, अब आइए लेयरिंग में। लेयरिंग में क्या करते हैं, अब आइए लेयरिंग में। लेयरिंग में देखो क्या करते हैं कि जो ब्रांच होता है ना उस ब्रांच को हम लोग डीप डाउन करते हैं और सॉइल के अंदर डालते हैं। जब सॉइल वो ब्रांच जो सॉफ्ट वाला ब्रांच होगा उस सॉफ्ट ब्रांच को जो यानी डीप डाउन हो सकता है यानी नीचे सॉइल में जा सकता है वैसे पार्ट, वैसे ब्रांच को हम लोग सॉइल में अंदर डालते हैं और छोड़ देते हैं ताकि सॉइल के कॉन्टेक्ट में आकर के उस ब्रांच से फिर रूट निकल जाता है। जब रूट निकला तो वो प्लांट इंडिपेंडेंटली ग्रोथ कर जाएगा, देन आफ्टर उसको कट करके सेपरेट कर देंगे। तो इस टेक्निक का भी यूज, लेयरिंग जो है एक तरह से समझो कि रूट कटिंग का पार्ट है। लेयरिंग जो है वो एक तरह का रूट कटिंग है। तो इसमें लोअर एंड सॉफ्ट ब्रांच ब्रांच आर डिप डाउन इनटू सॉइल। तो जो सबसे नीचे वाला होगा और साथ ही साथ जो सॉफ्ट होगा, दोनों चीज होना चाहिए, ठीक है ना। डिप डाउन या बेंट डाउन कुछ भी कर सकते हैं, चलिए बेंट ज्यादा आपको शायद समझ में आए, हाँ डिप डाउन या बेंट डाउन इनटू दी सॉइल। तो सॉइल के अंदर उसको हम लोग क्या करेंगे, डिप डाउन कर दिया हमने, और डिप डाउन करने के बाद में जब सॉइल में वो जाएगा एंड द रिंग ऑफ बार्क इज
रिमूव्ड, और उसमें से बार्क को हटा देंगे ताकि वो आसानी से सॉइल से वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन, अगर बार्क रहेगा तो सही से वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता है, तो वहाँ से जो रिंग है बार्क है उसको हम लोग वहाँ से हटा देंगे ताकि वो वाटर का एब्जॉर्प्शन वगैरह आसानी से कर सके। और ये जो होगा दिस इज थ्री या फोर टाइप्स का, थ्री टू फोर टाइप में होगा, ठीक है ना। और फर्स्ट में देखिए एक होता है टिप लेयरिंग, टिप लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, ये सब हम लोग देखेंगे। तो एक है फर्स्ट में टिप लेयरिंग, टिप लेयरिंग का पहले मैं यहाँ पे देखो दिखा देता हूँ। और ये सॉइल है, ओके बेटा। और देन अब यहां से एक ब्रांच, जो सबसे नीचे वाला जो ब्रांच है, ये ब्रांच को यहां से डिप कर दिया, ये हो गया लेयरिंग, ठीक। अब ये सॉइल के कांटेक्ट में जब आया तो यहां से फिर बाद में जो है वो क्या होगा, लेयरिंग किया तो यहां से बाद में जो है वो स्मॉल स्मॉल रूट जो है वो डेवलप कर जाएंगे, रूट डेवलप्ड। तो ये लोअर वाला जो ब्रांच है उसी को हम लोगों ने बेंड डाउन कर दिया, डिप डाउन किया अंदर में, ओके। तो दिस इज द टिप लेयरिंग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को टिप लेयरिंग कहते हैं। देख सेकंड है ट्रेंच लेयरिंग, सेकेंड इज द ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग में क्या काम करते हैं कि हॉरिजॉन्टली जो ब्रांच है, लोअर ब्रांच है, उसको हॉरिजॉन्टली हम लोग वहां पे उसको सेटल करते हैं ताकि उसमें से एक साथ दो तीन प्लांट निकल के डेवलप कर सके, ओके। तो देखेंगे उसको ट्रेंच लेयरिंग में, पूरा लिखता हूं। सेकेंड वन इज ट्रेंच लेयरिंग, ओके। तो ट्रेंच लेयरिंग में क्या बोला मैंने कि हॉरिजॉन्टली जो होते हैं उसको हम लोग ये करेंगे, तो बेसल ब्रांच इज पेग्ड इनटू सॉइल horizontally to develop more plantlet, okay, to develop more plantlet। अब example के रूप में देखिए यहां पे बेटा ये हो गया soil surface, और इस soil surface में ये आ गया plant, अब यहां से ये जो ब्रांच है ये हॉरिजॉन्टली यहां से निकला, ठीक है, और ये सॉइल पार्टिकल हो गए चारों तरफ, ठीक। अब ये हॉरिजॉन्टली ये आया यहां पर, अब जब ये यहाँ पर आता है तो यहाँ से इस तरह से जो है वो प्लांट डेवलप कर जाता है,
ये प्लांट डेवलप कर गया। लीफ मतलब ये सॉइल सरफेस से ऊपर है, तो दिस इज द ट्रेंच लेयरिंग। इस लोअर वाले ब्रांच को हॉरिजॉन्टली लंबा करके ऐसे किया ताकि जितना ज्यादा, तो यहां से जहां जहां से रूट डेवलप होगा उसके ऊपर में प्लांट जो है वह डेवलप कर जाता है, तो इसी को कहते हैं बेटा हम लोग ट्रेंच लेयरिंग। ओके, ट्रेंच लेयरिंग जो है वो, इससे फायदा क्या होता है कि एक साथ दो तीन प्लांट जो है वो आ जाते हैं, समझे बात को। अब आइए, एक होता है गुटी लेयरिंग या एयर लेयरिंग, थर्ड है जो है वह है गुटी, GOOTII, और इसी को कहते हैं एयर लेयरिंग। ये बहुत पुराना टेक्निक है, एंशियंट टेक्निक है, ठीक है। इट इज ओल्डेस्ट टेक्निक। और ये कब होता है, तो बिफोर रेनी सीजन या मानसून के पहले। इट इज अप्लाई, इट इज अप्लाई बिफोर इट इज ओल्डेस्ट टेक्निक एंड इट इज अप्लाइड बिफोर मॉनसून इन विच। तो क्या करते हैं, प्लांट का जो एक डायग्राम मैं देता हूं उससे आपको आसानी से समझ में आएगा जो क्या समझाना है। देखिए क्या करते हैं बेटा, इसका डायग्राम ऊपर देता हूं मैं। देखिए ये एक ब्रांच है और ब्रांच के इस वाले पार्ट में क्या किया कि एंजियोरी को डेवलप किया, यानी वहां से जो बार्क वगैरह है वो पूरा कट करके हटा दिया, पहला काम ये किया। और एकदम छोटा सा पार्ट एकदम पतला कर दिया यहाँ पर ये पार्ट को, और इसके ऊपर जो है वह हम लोग एक क्ले तैयार करते हैं जिसमें टू पार्ट क्ले होता है, एक पार्ट फाइन कटा हुआ मॉस होता है और एक पार्ट काउडंक होता है, यानी एक लिक्विड यानी सेमी सॉलिड पार्ट तैयार करते हैं उसमें कुछ मिला करके। तो क्या क्या होगा उसमें, उसमें होगा काउडंक, गाय का गोबर जिसे कहते हैं काउडंक, देन आफ्टर मॉसेस, मॉस वगैरह जो है बहुत महीन कटा हुआ वो मिला देते हैं, और क्ले को ले लेते हैं, सबको मिक्स करके और इसके ऊपर कवर कर देंगे, ऐसे लेप लगा देंगे मोटा सा, देन आफ्टर उसको पॉलिथीन वगैरह से कवर कर देंगे ताकि कोई इन्फेक्शन नहीं हो, और छोड़ देंगे। कुछ दिन के बाद क्या होगा कि इस पार्ट से, और हाँ साथ में कुछ हार्मोन को भी लगा देंगे, जैसे IAA NIA जो रूट को डेवलप कराता है वो लगा दिया, तो कुछ दिन के बाद क्या होगा कि इस पार्ट से जो है वो रूट डेवलप कर जाएंगे, और जब रूट डेवलप कर जाएगा तब इसको यहाँ से कट करके और इस पार्ट को सॉइल में प्लांटेड कर देंगे। इससे फायदा क्या हो कि नया प्लांट आसानी से डेवलप कर गया और जो प्लांट आएगा वो एकदम एग्जैक्ट इसके जैसा प्लांट होगा। तो इसका बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत पुराना चीज़ है, आसानी से इसको हम लोग तैयार करते हैं। ओके, तो कहते हैं कि तो ड्यूरिंग अर्ली मॉनसून हम लोग इसको करते हैं, तो करते क्या है इसमें, इट इज अप्लाई बिफोर मॉनसून इन विच 3 to 5 centimeter bark are removed from branch। तो ब्रांच से 3 to 5 centimeter लंबे बार्क को हटा देते हैं, उतने सेक्शन से हम लोग वुडी ब्रांच से
एंड कवर्ड बाय प्लास्टर क्ले, और ये प्लास्टर क्ले जो होगा उसको क्या क्या रहेगा उसमें, तो प्लास्टर क्ले में वन पार्ट काउ डंग, वन पार्ट फाइनली कट मॉस एंड टू पार्ट क्ले। तो दो पार्ट क्ले होगा, एक पार्ट काउडंक और एक पार्ट बहुत बारीक कटा हुआ मॉस, ठीक है। उन सब को लेकर के उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया एंड देन इट इज कवर्ड विथ, देन इट इज कवर्ड विथ, और तब इसको किससे कवर कर दिया, देन इट इज कवर्ड विथ, इसको कवर कर देते हैं, देन इट इज कवर्ड विथ पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन से या कोई जो प्लास्टिक का लेयर है उससे उसको हम लोग क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। और हाँ, इसमें अभी हमने बोला भी था उस समय स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग इसमें ये भी मिलाते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ NaA एंड IAA आर ऑल्सो यूज्ड, इसको भी हम लोग आर ऑल्सो यूज, इसको भी हम लोग यूज करते हैं। अब आइए यहां से ये जो पार्ट है तो क्या किया इसको आप देखिए, इस पार्ट को कवर कर दिया है, लगा दिया है हम लोगों ने, क्ले वगैरह लगा दिया है, और देन आफ्टर कवर कर दिया है किससे, पॉलीथीन से। तो ये हो गया प्लास्टर और ये हो गया पॉलीथीन कवर। जब प्लास्टर लग गया, पॉलीथीन कवर आगे कवर कर दिए, अब देन आफ्टर इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आ गया अब ये पार्ट तो कवर किया हुआ है, अब इसमें से धीरे धीरे क्या डेवलप होगा, इसमें से ये रूट डेवलप हो गया, और जब रूट डेवलप होगा इसको यहां से कट करके और इम्प्लांट कर देंगे, प्लांटेड इनटू सॉइल। तो नया प्लांट इसे कंप्लीटली क्या हो गया, डेवलप करके आ जाएगा, समझे। तो इसका जो है वो ये गुटी लेयरिंग का हम लोग लीची में, पोमग्रेनेट में यूज करते हैं, इसका एग्जांपल डाल सकते हैं, लीची पोमग्रेनेट, ठीक है, लीची पोमग्रेनेट ये सब में यूज करते हैं। अब चलिए, तो ये ग्राफ्टिंग हो गया, ये सॉरी लेयरिंग हो गया, लेयरिंग के बाद में हमने क्या बोला, अब लास्ट एक ग्राफ्टिंग को हम लोगों को देखना है, किसको, ग्राफ्टिंग के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग
ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि एक छोटा सा जो जस्ट अबव द बेस, दो एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम, दो अलग अलग प्लांट के, टू डिफरेंट प्लांट का हम लोग एक का रूट सिस्टम और एक का शूट सिस्टम को लेते हैं, और जो शूट सिस्टम है उसको काट के हम लोग उस प्लांट से अलग करते हैं जस्ट अबव द बेस, और उस छोटे से और सुपेरियर क्वालिटी का होना चाहिए शूट, वैसे शूट को सुपेरियर क्वालिटी के शूट को लेते हैं, कट करते हैं, और जो दूसरे प्लांट का जो रूट सिस्टम है उसके ऊपर उसको चिपकाते हैं। चिपकाने के मतलब रख करके उसको में लेयरिंग वगैरह करते हैं, और देन आफ्टर वेट करते हैं, कुछ दिन के बाद उसमें से नया प्लांट डेवलप होता है, तो जो प्लांट की क्वालिटी होगी उसमें वेरिएशन आएगा, तो नए वेराइटी को डेवलप करने के लिए सब टेक्निक का यूज करते हैं, और उसी को कहते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग। क्या कहेंगे बेटा? ग्राफ्टिंग। तो इसीलिए तो यहाँ पर जो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होगा वह डिफरेंट होगा। तो ये रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम आर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, आर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग प्लांट के या दो अलग अलग वेराइटी के प्लांट से हम लोग इसको लेते हैं। प्लांट आर सच ए वे यूनाइट टू डेवलप ए न्यू प्लांट। अब जो शूट सिस्टम होगा, शूट आर ए स्मॉल एंड सुपेरियर क्वालिटी कॉल्ड ग्राफ्ट और सियॉन। तो जो शूट सिस्टम लेते हैं वो सुपेरियर क्वालिटी का होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग सियॉन कहते हैं, या उसी का नाम जो है वह ग्राफ्ट है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना चलना है, जो प्लांट जो नया डेवलप होकर के आएगा उसमें मैक्सिमम करेक्टर जो होगा वो सियॉन का होगा, इसलिए वो सियॉन जो होता है ये क्वालिटी का होना चाहिए, क्या कहते हैं सुपेरियर क्वालिटी का होना चाहिए। सियॉन आर टेकन अबव द बेस ऑफ प्लांट विच इज 10-30 सेंटीमीटर, और ये 10 से 30 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, इसकी लंबाई लगभग होनी चाहिए। फिर सियॉन आर फिक्स्ड ऑन स्टॉक, और तब स्टॉक क्या है, तो स्टॉक इज रूट सिस्टम ऑफ अनदर प्लांट। तो स्टॉक जो है वो दूसरे प्लांट का क्या है, वो रूट सिस्टम है, ओके। और देन कवर विथ ग्राफ्टिंग वैक्स, इसको एक ग्राफ्टिंग वैक्स से हम लोग कवर करते हैं, ऐसा क्यों, ताकि उसमें इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो। इट इज कवर्ड विथ ग्राफ्टिंग, इट इज कवर्ड विथ ग्राफ्टिंग वैक्स, इसको हम लोग ग्राफ्टिंग वैक्स से क्या करते हैं, कवर करते हैं, देन इट इज कवर्ड विथ ग्राफ्टिंग वैक्स। अब ये काम हो गया, उसके बाद देखो ग्राफ्टिंग वैक्स से कवर कर दिया, फिर उसमें बैंडेज कर देंगे, तो ये सारा काम होता है। इसका एग्जांपल हो गया मैंगो, एप्पल, पियर, साइट्रस,
मैंगो, एप्पल, पियर, साइट्रस, ये सारा जो प्लांट है वो सब प्लांट को वाइडली इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, गुआवा भी, प्लम है, पीच है, हाँ गुआवा भी है इसमें, जी यू ए भी है, गुआवा, प्लम, पीच, अब एटसेट्रा कर दीजिए। अब ग्राफ्टिंग जो है वह तीन चार तरह के ग्राफ्टिंग को देखना है, तो अब लिखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। उसका स्ट्रक्चर देता हूं आपको, लिखेंगे वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग। वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग यानी ग्राफ्टिंग भी जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। एक लिखेंगे टंग ग्राफ्टिंग, फर्स्ट में टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग की अगर बात करें तो ये एक शेप बनाता है इस तरह का, अब ये हो गया स्टॉक और दूसरा होगा और ये हो गया सियोन, ये सियोन और ये स्टॉक, और दोनों का जो होगा वो सेम डायमीटर होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग। कौन सा? तो दिस इज द टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग के बाद में वेजगे ग्राफ्टिंग जो भी शेप का होता है, सेकेंड वेजगे ग्राफ्टिंग। वेजगे ग्राफ्टिंग सियोन, दिस इज द स्टॉक, सियोन और स्टॉक इसमें भी सेम डायमीटर के होते हैं, ओके ठीक। उसके बाद में है क्रॉन ग्राफ्टिंग, थर्ड में क्रॉन, तो क्रॉन ग्राफ्टिंग जो हम लोग यूज करते हैं ना उसमें मेनी सियोन आर सेलेक्टेड, उसमें यहां पर सिंगल सियोन है, यहां पर मेनी सियोन आर सेलेक्टेड, मेनी सियोन आर सेलेक्टेड। एंड नॉट इन सेम डायमीटर, उनका डायमीटर सेम नहीं होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जैसे देखिए ये तीन, तीसरा इधर आ जाएगा, ठीक है। और
stock not same diameter. तो सियोन अलग अलग डायमीटर का, एक सियोन यहाँ और फिट हो सकता है, ऐसा भी शेप बना के दिखा दिया हूँ. तो इस तरह से ये जो है, तो दिस इज द क्रॉन ग्राफ्टिंग. अब एक होता है अप्रोच ग्राफ्टिंग, नेक्स्ट जो है वह है अप्रोच ग्राफ्टिंग. This is the approach grafting. ये जो है वह है approach grafting. Approach grafting में क्या करते हैं? Approach grafting में this is the approach grafting. Approach grafting में हम लोग काम क्या है? तो दो अलग अलग plant को इस तरह से लेते हैं. तो ये दो अलग अलग प्लांट हैं, एक ही अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, दोनों प्लांट के इस पार्ट को. तो दिस इज द, ये जो हुआ वह स्टॉक पार्ट हुआ एंड दिस इज द सियोन. अब आप सोचेंगे कि सर दोनों का, इसका मेन रूप से रूटेड प्लांट यानी कि मेन रूप से, और ये जो प्लांट लिए हैं इसका सियोन पार्ट सिर्फ काट के हटा के उसको जोड़ दिया है. तो उसका, इसका जो बेस है वो प्लांट यानी स्टॉक जो है वो लगा हुआ है सॉइल से. तो इस तरह से इसको जो, तो इसी को हम लोग कहते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग. इसी को, दिस इज द अप्रोच ग्राफ्टिंग का ये एग्जांपल है. अब एक लास्ट देखेंगे बड ग्राफ्टिंग, सेकंड लास्ट वन इज द This is the bud grafting. तो bud grafting में क्या होता है कि प्लांट से उस पार्ट से इस तरह से कट करते हैं ताकि उसका बड जो है वहां पर दूसरा जो पार्ट यानी कैम्बियम होना चाहिए वहां पे वो फिट हो सके.
सियोन इज ए बर्ड, तो सियोन जो होता है वह एक बर्ड है, विथ ए स्मॉल पीस ऑफ बार्क एंड कैम्पियन, विथ ए स्मॉल पीस ऑफ बार्क एंड कैम्पियन। तो सियोन एक बर्ड के जैसा रूप में हम लोग इसको लेते हैं, और स्मॉल पीस, और उसमें क्या होना चाहिए, बार्क एंड कैम्बियम होना चाहिए। अब नेक्स्ट, स्टॉक इज गिवेन ए टी शेप कट, और जो स्टॉक होगा उस स्टॉक को हम लोग टी शेप का कट देंगे, और तब उसमें बार्क को लिफ्टेड करेंगे हम लोग। बार्क इज लिफ्टेड टू एक्सपोज्ड कैम्बियम, और बार्क को इस तरह से हम लोग लिफ्टेड करेंगे ताकि वह एक कैम्बियम के साथ मिल सके, एक्सपोजर में आ सके, और देन और ओनली बर्ड इज एक्सपोज। ओनली बर्ड इज एक्सपोज देन ट्रीटेड विथ। अब इतना सारा काम पहले तो कर दिया, और करने के बाद जो है वहाँ पर हम लोग ग्राफ्टिंग वैक्स को लगाएंगे या उसको ट्रीट करेंगे वहाँ पर उस चीज़ से, तो ट्रीटेड विथ क्यों, ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हो, विथ ग्राफ्टिंग वैक्स। और फिर वो इसका भी एग्जांपल वही सब है, एप्पल है, पीच है, रोज है, एप्पल पीच रोज इटीसी। तो ये जो हो गया वो बर्ड ग्राफ्टिंग का पार्ट हुआ। अब एक आइए देखते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, ये अलग, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा इसी का पार्ट है, नेक्स्ट जो है वो है माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या होता है माइक्रो प्रोपेगेशन, ये प्लांट टिश्यू कल्चर का पार्ट है, यानी बायोटेक्नोलॉजी का भी एक हिस्सा है ये, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपको तो नहीं पढ़ना है प्लांट और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, बट ऐसे होता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी अलग होता है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी अलग होता है, तो उसी का ये पार्ट है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन यानी कि प्लांट के छोटे से पार्ट से बहुत सारे प्लांटलेट को डेवलप करा लेना, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन जो है वह नए प्लांट के डेवलपमेंट के लिए है। ओके, तो ग्रोथ या रेजिंग कर दो, रेजिंग ऑफ मेनी न्यू प्लांट फ्रॉम प्लांट पार्ट टिश्यू और सेल। तो प्लांट के किसी एक टिश्यू से, सेल से या उस पार्ट से बहुत सारे प्लांट को डेवलप करा लेते हैं, और किसकी मदद से, तो विथ दी हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। तो किसकी मदद से, तो विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर की मदद से, ये जो काम करा लिया विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर क्या है भाई, तो टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है, तो टिश्यू कल्चर इज ए टेक्निक
टिश्यू कल्चर इज ए टेक्निक टू मेंटेन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल टिश्यू इन एसेप्टिक कंडीशन. तो एसेप्टिक कंडीशन में उनका डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट जो होता है, और विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन हार्मोन. तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, माइक्रो प्रोपेगेशन, ये प्लांट का कोई एक पार्ट है, दिस इज द कैलस या प्लांट कोई पार्ट है, और इससे जो है कंप्लीट NAA ठीक है, या साइटोकाइनिन NAA कर लिया, साइटोकाइनिन ले लिया, ये कैलस पार्ट है, और इससे जो है बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट का डेवलपमेंट करा लिया. कैसे? एसेप्टिक कंडीशन में. समझ गए आ गई बात. अब इससे ये जो होल्ड हो गए, इस सभी प्लांट को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, एसेप्टिक कंडीशन में. तो ये जो टेक्निक है यही है माइक्रो प्रोपेगेशन. ये सारा चीज लैबोरेटिकल स्केल पे पहले काम करते हैं, लैबोरेटरी में एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करके, ताकि प्लांट में कोई इन्फेक्शन नहीं हो. जितना बोर्ड पे आसान दिख रहा है, ये एक्चुअल में उतना आसान होता नहीं है. और ये सारा काम माइक्रो प्रोपेगेशन, ये सारा काम करने के लिए तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है. जैसे एक होता है ICMR, तो ये होता है ICAR. यहाँ पर ये सारा रिसर्च होता है, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. समझे बेटा. और अभी कोरोना वगैरह का इतना सारा जो वैक्सीन डेवलप हुआ है, सब चीज़ हो रहा है, तो वो किसके, तो वो मेडिकल साइंस से जो भी रिसर्च होता है, तो वो आता है ICMR में. इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. तो ये प्लांट का जो भी होता है माइक्रो प्रोपेगेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर, ये सारा चीज ICAR के अंडर में ही काम होता है. ओके, अब देखिए इस, तो माइक्रो प्रोपेगेशन, अब माइक्रो प्रोपेगेशन हो गया, तब इसके बाद में अब हम लोगों को एक टॉपिक देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब स्टार्ट होगा. कितना देर हुआ, हो गया. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी बातें जो हैं वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, और तब तक आज तक का जो पूरा टॉपिक जो हुआ है उसको आपको प्रिपेयर करके, पूरा नोट्स प्रिपेयर करना है. नोट्स किसी का छूटना नहीं चाहिए इस बार, इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ. और अगर कोई बच्चा स्कूल ओपन होता है, और नोट्स तो चेक करूँगा ही मैं इस बार, और इतना चीज़ करने के बाद भी कोई गलती से छूटा पड़ा रह गया और नोट्स प्रिपेयर करके नहीं लेके आया, तो समझो उसकी खैर नहीं है. अब आप 11th के बच्चे नहीं हो कि आपको किसी तरह की छूट या रियायत दी जाएगी. अब आप 12th के बच्चे, और 12th को हम लोग भर दम बहुत मन से पीटते हैं, एकदम गलती करे या ना करे भर दम पीटते हैं, और इसके लिए हमें कोई टेंशन भी नहीं लेना है. आपके पेरेंट अगर नियुक्त लिख करके देंगे कि हाँ हमारे बच्चे को आप नहीं पीट सकते हैं, तभी हम छोड़ेंगे. लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं तो आप आने के पहले एप्लीकेशन लेके आ जाइएगा,
कि हमारा बच्चा अपने पेरेंट्स से लिख करके एप्लीकेशन साइन करवा के मोबाइल नंबर के साथ में, ताकि हम कंफर्म कर लेंगे कॉल करके कि हाँ हमारा बच्चा कुछ भी करे आप उसको डांट नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते हैं, तब आप छूट जाएंगे। लेकिन अगर गलती भी किया, एप्लीकेशन भी नहीं है, तब आप नहीं छूटेंगे। ये बात आप क्लियर याद रखिए, ठीक है? ओके, चलिए, थैंक यू।